अब क्या होता है उससे हम थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं पहले देखिएगा पहले हम लोग थ्योरम समझते हैं ये मेरे पास एक कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर है क्या है स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर क्या होता है पहले बताया हूं कि एक बॉडी एक बॉडी होता है जिसपे लोड लगाओ तो वो डिफॉर्मेशन का विरोध करे तो वो कहलाता है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या होता है स्ट्रक्चर एक बॉडी होता है स्ट्रक्चर क्या होता है एक टाइप की बॉडी होती है इस पर जब लोड लगाऊ ना इस पर क्या लगाऊ लोड लगाऊ तो ये डिफॉर्मेशन का विरोध करे टू डिफॉर्मेशन तो यही बॉडी कहलाएगी क्या स्ट्रक्चर स्टील का बना है तो स्टील स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये बॉडी अगर कंक्रीट का बना है तो कंक्रीट का स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरी बात समझ समझ रहे देखिएगा चलिए तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कंक्रीट का लिया किसका लिया हूं कंक्रीट का लिया हूं क्या लिया हूं कंक्रीट के लिया हूं और कंक्रीट को आपस में बांधने के लिए बॉन्ड करने के लिए इसमें मैं सीमेंट मिला दे रहा हूं क्या मिला दे रहा हूं बॉन्डिंग मटेरियल सीमेंट मिला दे रहा हूं मेरा स्ट्रक्चर जो मैं लिया कैसा लिया सीमेंट कंक्रीट लियो कंक्रीट क्या होता है यह बेटा आप लोग को पहले बीएम में मालूम होगा यह तीन चीज का मिक्सचर होता है किसका सेमेंट एग्रीगेट स वॉटर और एग्रीगेट दो होता है एक फाइन और एक कोर्स फाइन में आपका सैंड आ जाएगा और इसमें स्टोन ब्लास्ट आ जाता है ब्लास्ट छोटे मोटे जो का टाइप का होता है ठीक है तो आप ये तो फिर आपका बी का पार्ट है आपका जो भी बिल्डिंग मटेरियल का फिर भी थोड़ा सा मैंने बता दिया कंक्रीट का होता है सीमेंट एग्रीगेट और वाटर का मिक्सर होता है तो अब देखिएगा मेरे पास एक स्ट्रक्चर है बेटा क्या है मेरे पास एक स्ट्रक्चर है और किसका सेमेंटेड कर्क्रीट जैसे बोलते हैं क्या बोलते हैं सी सी बोलते हैं क्योंकि सी फॉर सीमेंट और और सी फॉर कंक्रीट और इसमें कुछ मिला नहीं है तो एकदम सादा है तो ये प्लेन है क्या है बेटा प्लेन तो कैसा स्ट्रक्चर हो गया ये पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर है मेरे पास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अब देखिएगा कंक्रीट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने और कंक्रीट अब कंक्रीट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी जाने उसके बाद उसके उसके बाद हम लोग बात करते हैं देखिए कंक्रीट जो होता है बेटा उसकी पहली जो प्रॉपर्टी है ये हाईली कंप्रेसिव नेचर का होता है किस नेचर का होता है ये हाईली कंप्रेसिव नेचर का होता है कंक्रीट जो होती है इसके अंदर कंप्रेशन फोर्स को या संपीजन बल को सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है।, अंदर है तो इसकी कंप्रेसिव की नेचर जो होती है उसको बहुत बेस्ट होता है इसकी हाईली कंप्रेसिव होता है लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है लेस टेंसाइल स्ट्रेस रखता है टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है कह सकते हैं लेकिन ये टेंसाइल में बहुत कमजोर है क्या है टेंसाइल में बहुत ज्यादा कमजोर है ये प्रॉपर्टी आप दो भी याद रखिये अब अगर ये कितना कमजोर है ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर आखिर ये कितना कमजोर है तो जो इस कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की होती है, वो बेटा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट के उसके एक बटे दस से एक बटे पंद्रह होते कितना होता है तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कि कितना गुना होता है एक बेटा दस से एक बेटा पंद्रह अगर किसी माना ये बड़ा है और इसकी स्ट्रेंथ बेटा तो इसका जो होगा अकॉर्डिंग टू दिसोमिन इसका कितना होगा 10 मेगा पासकल ही होगा तो कह सकते हैं एक कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा है ना उसमें कंप्रेसिव कुछ सहने की क्षमता ज्यादा होगा लेकिन टेंसाइल का क्या होगा बहुत कम होगा कितना कम होगा मैं पहले कंपेयर करके बता दियो एक बटा दस से एक बटा पंद्रह होता है तो अगर मेरे पास ये मैं स्ट्रक्चर बनाया हूं थोड़ा सा देखिएगा यह बाइब स्ट्रक्चर अब इसके ऊपर अगर वाइड में लोड लगा देता हूं क्या लगा देता हूं इसके ऊपर मैं लोड लगा देता हूं ये, ये।

अब कंक्रीट कंप्रेसिव में तो ताकतवर होता है तो ये ऊपर का तो झेल ले जाएगा जो लोड होगा ऊपर का तो रजिस्ट कर जाएगा लेकिन ये नीचे का जो है उस पे टेंसाइल नेचर आ रहा है और जब नीचे टेंसाइल नेचर आ जा रहा है तो टेंसाइल तो सहने की क्षमता होती नहीं तो यहां से क्या होगा बेटा कि ये फेलियर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है किसकी फेलियर की पॉसिबिलिटी क्या होती है बढ़ जाती है और जब फेलियर की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी तो आपका जो हमारा स्ट्रक्चर होगा कंक्रीट का तो वो हमारा फेल हो जाएगा और पूरा डैमेज हो जाएगा लॉस तो में हम लोग चले जाएंगे तो आपके दिमाग में यह आता होगा तो क्या सर हम लोग सीसी वाला स्ट्रक्चर या पीसीसी प्लेन सेमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर हम लोग कहीं यूज नहीं कर सकते हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है आप यूज कर सकते हो लेकिन वहां पर इसका यूज होगा जहां ओनली कंप्रेसिव

ऑर्बिटाइज जाहिर से बात है यहां पे लोड आपका कोई आदमी के कुछ भी रखा होगा तो जाहिर सी बात ये लोड ट्रांसफर करेगा किससे कॉलम को और कॉलम किससे करेगा ये फाउंडेशन होता है क्या होता है फाउंडेशन और फाउंडेशंस जो होता है जो न्यू होता है हमारा वो टोटल जो जो मैक्सिमम जो सहता वो कैसा कंप्रेसिव क्या कंप्रेसिव सहता है तो आप फाउंडेशन में यूज कर सकते हो पीसीसी यूज कर सकते हो फाउंडेशन में यूज कर सकते हो आप कॉलम में भी यूज करो क्योंकि कॉलम भी जो होता है सबसे मैक्सिमम जो झेलता है ना वो कंप्रेसिव नेचर ही झेलता है तो आप ये पीसीसी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो लेकिन वहां कर सकते हो जहां सिर्फ स्ट्रक्चर पर आपका कंप्रेसिव नेचर आए बस अगर कंप्रेसिव नेचर सिर्फ आ रहा है तो आप पीसीसी यूज करिए लेकिन अगर आपके स्ट्रक्चर पे कंप्रेसिव के साथ साथ ठीक ठाक टेंसाइल भी आ रहा है तो आप पीसीसी यूज करोगे तो जहां टेंसाइल वाला जोन होगा वहां से क्या हो जाएगा ये फेल हो जाएगा वहां से क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा क्यों फेल हो जाएगा क्योंकि जो जो कं -कं कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो कंप्रेसिव से बहुत कम होता है, एक बटा दस से एक बटा पंद्रह गुना आपकी बात समझ में आई होगी नहीं होगी तो ये पीसीसी था अब कहोगे सर आर है तो पीसीसी क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा ये पीसीसी में जब इंप्रूवमेंट किया गया जब इसमें इंप्रूवमेंट किया गया

यहां तो मैं जान गया पीसीसी क्या होता है प्लेन कार्बन सॉरी प्लेन कार्बन प्लेन सीमेंट कंक्रीट ये क्या होता है ये भी मालूम हो चुका बस समझ नहीं। इसका क्या फायदा है कहां पे यूज कर सकते हैं क्या इसका डिसएडवांटेज है और मैंने यहां बताया कंक्रीट किसका किसका मिक्सर होता है ये तो आसान सा चीज है ठीक है वो आगे या फिर उस एम में आप पूरा देखे होंगे तो अब देखते हैं इसको हम लोग दूर करते हैं किसको नेचर जो खतरा आता था पीसीसी में इसको दूर करते हैं ये मेरे पास स्ट्रक्चर था सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर था अभी प्लेन ही है तो पीसीसी अब इस जो नीचे वाला जोन था बेटा इस जोन में टेंसाइल का नेचर आता था जिसके कारण ये टेंसाइल टेंसाइल झेल नहीं पाएगा कंक्रीट तो तो से से फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है जोन तो लोग क्या करेंगे हम लोग ये सोचे, ये इंजीनियर ने सोचा पे कुछ 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 ऐसा मटेरियल डाल दिया जाए कोई बेटा जिससे तो इंजीनियरों ने ये ढूंढा फोर्स को जो आ, सबसे बेस्ट कौन सहलेगा टेंसाइल फोर्स को तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया उसमें देखा कि अगर सेम एरिया लें, सेम एरिया लें किसका कंक्रीट का और वो मटेरियल जो सेम एरिया कंक्रीट का और स्टील का इस दोनों का अगर सेम एरिया पे अगर बात करें तो इस स्टील का जो टेंसाइल फोर्स होता है वो कंक्रीट से करीब ढाई सौ से तीन सौ कुछ में पौने तीन सौ 280 गुना के आसपास होता है स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंक्रीट से करीब 280 कहीं 500, 500, 500 भी सौ है तो 200 सौ आसपास मान लीजिएगा 280 गुना इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील की होती है ऊपर लिख दे रहा हूं कोफिसियंट ऑफ कोफिश ऑफ कोफिश ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो बारह गोड़े दस घाते माइनस छ पर डिग्री सी होता है जो कि कंक्रीट के क्या है लगभग समान है तो आप कौ कह सोचिए लगभग समान है तो क्यों यूज करते हैं यार ये लगभग समान का मतलब ये है कि अब स्टील को तो आप पा गए इसकी स्ट्रेंथ जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंक्रीट से करीब पौने तीन सौ गुना अधिक है तो हमारे दिमाग में जहां से खतरा है तो यहां पर मैं डाल दिया स्टील का रॉड स्टील की छड़ डाल दिया क्या कर दिया स्टील की छड़ डाल दिया अब so uh. uh -huh. जब, जब स्टील की छड़ डालूंगा तो ये कंक्रीट और स्टील इस दोनों में बॉन्ड बन जाएगा या चपक जाएगा

थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल अगर एक होगा तो साथ ही में फैलेंगे और साथ ही में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा जब साथ ही में होंगे फैलेंगे और साथ ही में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके बीच की बॉन्डिंग टूटेगी नहीं जैसे मैं और मेरे ये दो स्टेज है पास में मेरी पास में सुन अब मैं हूं मेरे से कोई है अगर मैं चला और मेरे साथ वो भी चला तो हमारी ये मैं चला तो मेरे साथ ये भी पेन चला तो स्ट्रक्चर में कोई क्या होगा डैमेज नहीं होगा मैं पीछे आया तो मेरे साथ ये स्केज भी पीछे आया तो डैमेज नहीं होगा लेकिन मैं आगे चला और ये ऐसे रुका है तो क्या होगा ये ब्रेक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा स्केज और हमारा शरीर ब्रेक हो जाएगा दैट मीन्स द बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा किसका सीमेंट और किसका स्टील का बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा और तो दिक्कत हो जाएगी मेरी बात समझ रहे क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट देखा गया तो दोनों आपका स्टील और कंक्रीट जो थर्मल एक्सपेंशन अल्फा होता है वो कंक्रीट का लगभग स्टील के बराबर होता है लगभग क्या होता है स्टील के बराबर होता है तो एक बेनिफिट हमको ये मिल गया तो एक प्रॉपर्टी हमको यहां से मिल गई तो एक प्रॉपर्टी यहां से मिल गई तो हमने सोचा अब तो अच्छा है तो क्यों ना हम उस टेंसाइल को खत्म करने के लिए या मिनिमाइज करने या टेंसाइल फोर्स को सहने के लिए हम स्टील की रॉड डाल दिया जाए तो स्टील का रॉड इसमें क्या किया गया डाला गया क्योंकि तो इसका बेनिफिट मिला थर्मल एक्सपेंशन भी इसका सेम मिल गया और इसका क्या हो गया बेटा और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है टेंसाइल की कंक्रीट कंक्रीट के आ, आ, के अगर कंपेयर करो कंक्रीट से तो हम लोग क्या किए यहां पर हम लोग क्या कर दिए स्टील की क्या डाल दिए रॉड डाल दिए क्या डाल दिए स्टील की क्या डाल दिए रॉड और जब स्टील की रॉड डाल दिए तब ये जो अब सीसी नहीं कहलाएगा अब ये कहलाएगा रिन प्लस प्लस कंक्रीट अब ये कहलाएगा आर सी सी क्या कहलाएगा आर सी सी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अरे बोलिए तो तो ये चीज था पीसीसी और पीसीसी में क्या कमी आई तो हम लोग का आरसीटी कब बना जब उस कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स में या सिमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर या पीसीसी के स्ट्रक्चर में हम लोग इसमें अलग से स्टील डाले क्यों डाले टेंसाइल स्ट्रेंथ के फेलियर से बचाने के लिए और स्टील ही क्यों डालें क्योंकि तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है और इसका थर्मल एक्सपेंशन भी कंक्रीट से क्या होता है मिलता है तो फिर हमारा क्या हुआ जब स्टील डॉट डाल दिए तो हमारा नाम पीसीसी का क्या बदल के हो गया तो पीसीसी किस में चेंज हो गया बेटा तो ये पीसीसी किसमें चेंज हो गया आर में चेंज हो गया समझ में आ गई नहीं है बताइए आई होप आपको ये आरसीसी क्या होता है ये समझ में आया होगा आगे चलता हूं इसको लिख लीजिएगा रफ करूं देखिएगा और कुछ पॉइंट हमारे को याद होना चाहिए बाईद मेरे पास ये बेटा स्ट्रक्चर ये है कंक्रीट का स्ट्रक्चर है ठीक है तो आप स्टील रॉड कितने एरिया में डाल सकते हैं तो जो हमारा स्टील स्टील का का जो एरिया होगा बेटा एरिया होगा वो पॉइंट सेवन परसेंट से टू फोर परसेंट होना चाहिए ऑफ कंक्रीट एरिया ऑफ कंक्रीट एरिया देख लीजिए ऑफ कंक्रीट एरिया तो ये पॉइंट याद रखिएगा कंक्रीट अब ऐसे नहीं है पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर सारा स्टील ही डाल दो नहीं स्टैंडर्ड क्या है पूरे कंक्रीट एरिया का पॉइंट सेवन से फोर परसेंट ही हमारे अंदर क्या उसके अंदर क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए बेटा स्टील होना चाहिए अब दूसरी पॉइंट अब तो सारा चीज सही है एक चीज और ध्यान दीजिएगा स्टील और कंक्रीट का कंक्रीट का स्टील का बेटा टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों की स्ट्रेंथ जो होती है ना ये करीब सेम होती है स्टील की टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करीब सेम होती है एक सिचुएशन पे कंप्रेसिव कम हो जाती है जब आपका स्टील को एज ए कॉलम यूज किया जाए और कॉलम बहुत लंबा हो जाए तो बकलिंग के कारण क्या होता है स्टील की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है नहीं ये क्या होता है सेम होता है तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग बार बार स्टील स्टील बात आ रही है चलो ठीक है मैंने बना लिया आरसीसी की स्ट्रक्चर इसका एक मेजर देखो कोई adva, इसका नहीं है इसका कोई बहुत खास डिसएडवांटेज नहीं है डिसएडवांटेज में आप यही लिख सकते हैं ये कॉस्टली होता है यार क्या होता है कॉस्टली होता, होता है बहुत कॉस्टली होता है महंगा पड़ता है अब कितना कॉस्टली होता है अगर कंक्रीट से देखें तो कंक्रीट से करीब साठ गुना महंगा पड़ता है कंक्रीट से साठ गुना महंगा पड़ता है महंगा पड़ता है साठ गुना अधिक क्या पड़ता है बेटा ये महंगा पड़ता है किससे कंक्रीट से तो महंगा होता है टाइम्स गुना ज्यादा स्टील महंगा होता है लेकिन मेरे को फेलियर बचाना है तो तब भी तो दिमाग में याद रखना पड़ेगा बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ये है। ये पॉइंट तीन से चार पॉइंट याद रखिएगा जब आप अच्छे जे के एग्जाम में बैठेंगे ना जब क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना तो बहुत बेस्ट आपसे मैच करेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको रफ करूं चलिए आगे बताता हूं एक पॉइंट और बहुत हमारा बेस्ट है देखिएगा एक पॉइंट और बढ़िया देखिएगा ये बाय दे मेरे पास पीसीसी का स्ट्रक्चर है ये बीम है बाय दे बे पीसीसी बीम है और ये मेरे पास आरसीसी की बीम है ये पीसीसी का बीम है ये आरसीसी का बीम है तो बेटा जो आरसीसी का बीम बनाओगे ना इसकी जो स्ट्रेंथ होगी इसकी जो स्ट्रेंथ होगी ना लिख दे रहा हूं आरसीसी की बीम जो बनाओगी उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो पीसीसी बीम के स्ट्रेंथ से दस गुना अधिक होगी कितना होगा इसके दस गुना से अधिक होगी किसकी अगर आरसीसी का आप बीम बनाओगे किसका बनाओगे आरसीसी का बीम बनाओगे बनाओ बनाओ आज मैक्सिमम आरसीसी का बनता है आज ज्यादातर यही जो हो रहा है मेरी बात समझता हूँ पॉइंट याद रखिएगा आप इंटरव्यू भी अच्छा दे सकते हो मेरी बात समझ इंटरव्यू भी में अच्छा क्वेश्चन आएगा क्योंकि बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाता है जब आप कोई प्री निकाल के मेंस में जाओगे और मीस के बाद आप इंटरव्यू दीजिएगा वो अब तो इंटरव्यू भी मैक्सिमम खत्म हो गया बाय द वे अगर पीएससी कंपनी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो वहाँ पे पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है वहाँ पे अभी भी इंटरव्यू वहाँ पे ख़त्म नहीं किया गया वो बिकॉज सेमी गवर्नमेंट कंपनियाँ होती हैं वो आज भी पूछी जाती हैं तो आई होप आपको आज इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा आर सी से आया इसके पहले पी था तो पीसीसी में क्या कमियां निकली जिससे हम आरसीसी बनाए आरसीसी में हम स्टील ही की जब स्टील यूज किए तो वही पीसीसी का नाम रिनफोर्स रिनफोर्स सेमेंट कंक्रीट पड़ गया और इसमें स्टील ही की यूज किए इसको भी मालूम चल गया समझ में इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है कंप्रेसिव तो टेंसाइल में इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है सारी चीज मैंने बता दिया कितना महंगा है कितना सस्ता है महंगा है तो क्या करें लेकिन हमारा फेलियर बचा है तो हम क्या करें समझ में आएगी नहीं क्योंकि स्ट्रेंथ भी तो ज़्यादा है नहीं इसकी बीम अगर बनाएंगे देखिए इसकी बीम से कितना है दस गुना ज्यादा ये क्या है स्ट्रॉग है बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है तो ये चैप्टर आप सही से पढ़िएगा इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डेली करीब करीब आपका डेली नहीं अल्टरनेट आप मान सकते हैं एक दिन बाद एक अदरवाइज डेली आपको क्लास आएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सारे बच्चों तक पहुंचाइए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ओके थैंक यू थैंक यू, थैंक यू.